शेख, मेरा सवाल ये था कि अगर हम कोई वादा करते हैं तो वादे से मुकर जाते हैं तो इसका गुनाह जी क्या है, और क्या इसका हम जी कफारा देना होगा? क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों पहले मैं कुछ वादे किया था, मुझे याद भी नहीं कि मैं क्या किया था, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर है इसको लेकर बस। ठीक इनका सवाल यह है जी कि शेख। अगर कोई आदमी, अगर किसी आदमी ने कोई वादा किया है और वादे से मुकर जाए या वादे को पूरा ना करे, तो उसका कफारा क्या है? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आयतुल मुनाफिके सलास, मुनाफिक की तीन अलामतें हैं। तीन अलामतों में से एक अलामत ये है कि ईदा वादा अखलफा, कि जब वो वादा करे तो वादा खिलाफी करे। और ये बात वाजे रहनी चाहिए कि किसी से सिर्फ कोई बात कह देना वादा नहीं होता है, जब आपने पक्का उसको करने के लिए कहा हो तो उसको वादा कहा जाता है। अगर आपने किसी से कोई पक्का वादा किया है किसी जायज चीज का, उसके बाद अगर आप वादा खिलाफी करते हैं तो ये मुनाफ़क़त की अलामत है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसका कोई कफारा नहीं है, इसका कफारा सिर्फ ये है कि आप उससे तौबा करें। ये जो गुनाह आपने किया है उससे आप तौबा करें और हो सकता है तो उस वादे को आप पूरे पूरा करें। एक बात यहाँ पर और भी क्लियर रहनी चाहिए कि आपने किसी से कोई वादा किया तो उसको पूरा करना उस वक्त वाजिब है जब उसको पूरा करने की आप इस्तेआत रखते हैं। आपने कोई वादा किया लेकिन बाद में आपकी इस्तेआत नहीं है उसे पूरा पूरा करने की, आपने कोशिश किया फिर भी आप पूरा नहीं कर सके, तो ये कोई गलत नहीं है। गलत उस वक्त है जब आप इस्तेआत रखते हुए उस वादे को ना पूरा करें, किसी उज्र की बुनियाद पर, किसी शरई उज्र की बुनियाद, हिस्सी उज्र की बुनियाद पर आप वादा पूरा नहीं कर सके तो ये गुनाह नहीं है। मुकम्मल इस्तेआत होने के बावजूद कोई माने, कोई रुकावट, कोई उज्र नहीं है, उसके बावजूद आपने वादा पूरा नहीं किया तो ये गुनाह है और उसका कफारा तौबा है। जी भाई, जी शेख, जजाक अल्लाह खैर शेख।